हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखना व्यू टैब के बारे में। तो सबसे पहले जो हमने प्रेजेंटेशन बनाया था, उस प्रेजेंटेशन को हम कैसे कैसे शो करके देख सकते हैं, उसके लिए हम लोग व्यू मेनू या व्यू टैब का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ग्रुप दिया है प्रेजेंटेशन व्यू। तो प्रेजेंटेशन को हम लोग कैसे व्यू करके देखेंगे, तो पहला दिया नॉर्मल। तो नॉर्मल पोजीशन में दिख रहा है, किसमें दिख रहा है यार? नॉर्मल पोजीशन में दिख रहा है। अगर हम कर देंगे आउटलाइन तो क्या हो, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट स्लाइड का व्यू कैसा होता है, तो क्या आंसर देंगे? जी बता देंगे ना। उसके बाद से अगला आउटलाइन। अब आउटलाइन और नॉर्मल व्यू में दोनों में अंतर क्या समझो। जब हम लोग नॉर्मल करते हैं, ध्यान देना, जब हम लोग नॉर्मल करते हैं, ये जो स्लाइड हमारे ओपन होते हैं वह इधर भी दिखते हैं कि स्लाइड पे क्या फॉर्मेटिंग ने किया, और बगल में भी दिखाई देता है। लेकिन अगर वही हम आउटलाइन व्यू पे क्लिक कर देते, कहां पे? आउटलाइन व्यू पे क्लिक कर देते। जैसे आउटलाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो होगा क्या, या जो स्लाइड जो दिख रहा है वो गायब हो जाएगा और इसका एक आउटलाइन क्रिएट हो जाएगा, केवल टेक्स्ट दिखाई देगा, स्लाइड हमारा शो नहीं होगा। जैसे क्लिक दिख रहा है आपको, मतलब या हमारा क्या हमने इस पे बनाया वो सब शो हो रहा है। जिस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो तुरंत शो हो जाएगा, लेकिन जो स्लाइड के माध्यम से शो हो रहा था वो शो नहीं होगा। यू कह लो आउटलाइन व्यू में केवल टेक्स्ट शो होता है, उसका स्लाइड शो नहीं होता है। शो करना है तो आउटलाइन पे क्लिक करके ही उसको शो कराना पड़ता है, ठीक है? एक एक करके मेन मेन वैसे आ गए, समाया? अदर कोई यूज नहीं। अगला है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हम स्लाइड को एक क्रम में देख सकते, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे मान लो स्लाइड हमारे ऐसे दिख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि नहीं ज्यादा स्लाइड है तो हमको दिखाई नहीं दे रहा, ज्यादा बार और ऊपर नीचे आना पड़ रहा है। तो अगर स्लाइड सॉर्टर का इस्तेमाल करेंगे, ये स्लाइड जो वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टली हो जाएगा और लगभग एक लाइन में 4 से 5 स्लाइड शुरू, ठीक है? जिससे फायदा यह होगा एक बार में मैक्सिमम स्लाइड को हम देख सकते हैं। तो देखो 3 दिया है, जितना अलाइनमेंट जितना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब देखो एक और फायदा है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो लोकेशन। समाया? बोलो, कर ले जाओगे ये इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत? अगला है नोट पेज। नोट पेज मतलब किसी पेज के नीचे कोई नोट लिखना हो तो आप उसका यूज करो, लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब इतना मैटर लिखने में से आप नीचे कौन सा नोट्स लिखेंगे, फिर भी चाहते हो तो क्लिक करो। तो देखो ये स्लाइड हमारा ही है, उसके नीचे नोट्स लिख सकते हैं उसके बारे में, लेकिन स्लाइड को शो करते समय शो नहीं होगा, अपने लिए इसका यूज करते, ठीक है? ना जी, कुछ भी टाइप करेंगे वो शो होगा नहीं, केवल अब कोसर नहीं शो होगा तो इस्तेमाल क्यों करेंगे? तो यहाँ पे करेंगे, जब नॉर्मल व्यू पे क्लिक करेंगे तो जो हमने नोट्स दिया देखो यहीं पे दिखेगा, दिख रहा है? तो यहाँ से देखते देखते हम यहाँ से भी थोड़ा नकल कर दें, बताते ठीक है? अदर को यूज नहीं, नकल करने के लिए देते हैं। अगला है रीडिंग व्यू, पता है आपको, पढ़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं लोग, ऐसे नॉर्मल शो हो जाएगा, पढ़ते रहिए क ख जो भी है, बैक आना तो इसके पढ़ो, हो गया खत्म। अगला है मास्टर व्यू। तो पहला ऑप्शन दिया स्लाइड मास्टर, नोट हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर। तो देखो इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे समझिए। मास्टर नाम सुने हो ना आप लोग? मास्टर मतलब मालिक, और तो इतना पता है मालिक, मास्टर किसे कहते हैं ये बताओ?
बिल्कुल चलो तू बताओ गोविंदा, गोविंदा अच्छा गोविंदा तो गए चलो। अच्छा बताओ, ए पढ़ाते हो तुम, बताओ मास्टर लोग क्या होता है? अच्छा सबसे मतलब ऐसे करते हो, बैठे चलो कोई बात नहीं, ध्यान दो। देखो मास्टर साहब शब्द जो है वह बहुत जगह लागू होता है, ठीक है, बहुत सारे मास्टर हैं, ठीक है, जो किसी काम को अच्छे से कर ले, उसमें एक्सपर्ट हो, ठीक है, उसी को उसका स्वामी मालिक बोला जाता है, मतलब मास्टर बोला जाता है। जैसे टेलर मास्टर, ठीक है, मतलब कपड़ा अच्छे से सिल लेता है, टेलर मास्टर, ठीक है, बोलो, मतलब समझ जाइए, कोई भी टास्क हम कर रहे हैं और वो अच्छे से कर ले रहे हैं तो बताते हैं इसका मास्टर माइंड है, ठीक है। अब चाहे वो पढ़ा रहा हो, चाहे कोई टास्क कोई काम कर रहा हो, ठीक है, अब छोटे से लेके बड़े से लोगों को मास्टर बोला जाता है, बस यही है, उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, दो चार लोगों को बता सके, सिखा सके, समझा सके या अपना खुद का काम कर सके, उसे बोलते हैं मास्टर, ठीक है। यह क्यों दिया है आपको पता है? यह मास्टर के साथ कुछ लोग जुड़े रहते हैं, क्यों क्यों मास्टर, चलो सिलाई मास्टर है, ठीक है, तो दो चार लोग जुड़े रहते हैं, किसके साथ रहेंगे, कुछ सीखेंगे, जो कहेगा वो करते हैं लोग। हम हैं, आप लोग हमसे क्यों जुड़े हो? हम कुछ सिखाएंगे, आप सीखोगे, ठीक है, नहीं तो हमारा रिश्ता, आपका रिश्ता कोई है क्या? नहीं, सीखने आए हो, सिखाने आए, बोलो और क्या, कुछ नहीं है, दूसरी बार भूल जाओगे कब, जब पढ़ाना छोड़ देंगे तो, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो स्लाइड मास्टर दिया है, या ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल लोग एक जैसा कोई प्रेजेंटेशन बनाना हो और सबका फॉर्मेटिंग एक जैसा करना हो, उसके लिए स्लाइड मास्टर का यूज। फायदा क्या होगा? मतलब मेरे अंडर में लोग इस समय है, मैं जो कहूंगा खड़े हो जाओ तो प्रेजेंट टाइम में भले गुस्सा आ जाओ, खड़े हो जाओगे, ठीक है, बाद में कुछ भी कहो, ठीक है। वैसे जो मास्टर होता है इसका यूज इसलिए करेंगे कि पहले में जो अप्लाई करेंगे वो सब पे अप्लाई, तो एक जैसा फॉर्मेटिंग हम करना चाहते हैं एक बार में, उसके लिए स्लाइड मास्टर का यूज। जैसे टाइटल सबका रेड कलर होना चाहिए, तो मास्टर क्या करेगा, जैसे ओपन होगा अपने साथ लगभग 10 से ज्यादा स्लाइड ओपन करेगा, तो फर्स्ट वाले टाइटल पर हम कुछ चेंजिंग करते हैं, तो जितने टाइटल है सब पे चेंजिंग होगा, समझे ना। अगर सेकेंड वाले चेंज करते हैं तो केवल सेकेंड वाले चेंज होगा, सब पे चेंज नहीं होगा। सही कर लो, ऐसा हमको प्रेजेंटेशन बनाना है कि सबका हेडिंग पहला रेड कलर का हो, दूसरा ब्लू कलर का हो, तीसरा कोई कलर का, ठीक है, और एक जैसा एक पे अप्लाई करूं सब पे अप्लाई हो, उसके लिए स्लाइड मास्टर के, ठीक है। अन्यथा हम लोग तो सिंगल सिंगल करना चाहते हैं तो आप लोग जैसे प्रेजेंटेशन बनाए हो वैसे कर सकते हो, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, क्या? तो वह है इस स्लाइड को हम शो नहीं कर सकते, मैनुअली देख सकते हैं, जैसे इस समय हम देख रहे हैं, मतलब ऐसे देख सकते हैं या फाइव बटन दबा के शो नहीं करा सकते हैं, और इसीलिए बहुत ही कम लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं बना तो लेंगे मेहनत करके, लेकिन किसी को दिखाना हो तो मैनुअली ऐसे दिखाना पड़े, ठीक है, चलो करके दिखाएं। चलिए क्लिक किया स्लाइड मास्टर पे, देखो एक यहाँ पे मेन मास्टर ओपन हो गया, और अपने साथ देखो कितने स्टूडेंट को लेके आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत ज्यादा यहाँ तक आया,
सबका स्टाइल अलग अलग है, लेकिन आप लोग जानते हो ना कि उस क्लास में ऐसा जरूरी नहीं कि सर जो कह दे वह बात सभी स्टूडेंट माने। कुछ ऐसे डिफाल्टर होते हैं, गधे होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कह, तू कहेगा ख, ठीक है। तो क्या होगा, हम एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, या तो कहना बंद कर देंगे या तो उसको क्लास से बाहर कर देंगे। बोलो, आप मान लो आपके गार्जियन है, आपसे बोले किसी काम को करने के लिए, तो तुमको वो नहीं करेंगे। एक बार कहे, दो बार कहे, तीन बार कहे, तो कहेगा चलो इसे कहेंगे, ठीक है। आधे तो दवा ववा देते हो तो बकायदे से देंगे, ठीक है, फिर भी नहीं मानते हैं सब। बहुत लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। सेम समझ जाए, उसी पैटर्न पे इसको बनाया गया कि अगर मास्टर के टाइटल को कुछ चेंज नहीं किया जा रहा तो जितने स्टूडेंट इनके साथ वो स्लाइड जुड़े हुए हैं सबके टाइटल पे चेंज होगा, लेकिन एक जो बीच में स्लाइड जो है, मान लो तीसरा नंबर का रहा ना, हमको रेड कलर पसंद नहीं है, ब्लू कलर पसंद है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये अपने आप को ब्लू कलर में चेंज कर लेगा तो मास्टर स्लाइड कहेगा कोई बात नहीं, मैं सुबह अपनी बिरादरी से बात करता हूं, मतलब तुम हमारा बात नहीं मान रहे हो, इसलिए प्रयोग किया जाए, तुमको नहीं, हमको पसंद ही नहीं है। तो जब एक बार अगर चेंज कर दिया, इस पे चेंज होगा, दूसरे पे जो जैसा है वैसे ही रहेगा, तो जब हम फर्स्ट वाले चेंज करेंगे तो इसको छोड़ के सब पे चेंज होगा, लेकिन इस पे चेंज नहीं होगा। मतलब एक बार मैंने कहा आपने नहीं माना तो मैं सबको कहूंगा, तुमको नहीं कहूंगा, जो करना है, ठीक है। तो एक एक करके बिरादरी से बाहर करता है, कैसे कमाते हैं, या आप हेडिंग दे देते हैं क्या, गधे स्टूडेंट, फर्स्ट दे दिया, सेकेंड प्राइमरी, कहाँ जा रहा है जी, हो जाएगा ऐसे सब पे, मतलब तीन पे हम लिख दिए। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पे आएंगे, होम पे आएंगे, सेलेक्ट करेंगे और कर दिया रीड कल। तो देखना ध्यान से, मतलब मेन यही टॉपिक है, वो तो हम कहानी सुना रहे थे आप लोगों को, ठीक है। फर्स्ट है चेंज हुआ, सेकंड में भी चेंज हुआ, थर्ड पे भी, मतलब जहां जहां टाइटल है वहां वहां चेंज हो जाए, समझ ना। यहाँ पे टाइटल नहीं नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब देखो सब पहले पे कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे को भी कोई दिक्कत नहीं है, या मास्टर इसके कंट्रोलर यह है सब जितने हैं। जो थर्ड वाला है ना, सेकेंड वाला जो है वो कर, सर मुझे यह कलर अच्छा नहीं लगता, बहुत खतरनाक है, हटा दिए इसको। अब देखो इस पे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इस वाले पे भी नहीं पड़ेगा, इसके नीचे वाले भी नहीं पड़ेगा, केवल फर्क पड़ा तो किस पे पड़ा, इस पे। अब क्या करेगा, अब ये मास्टर समझ लेगा कि मेरे हिसाब से फॉर्मेटिंग नहीं करना चाहते, तो जब हम यहाँ पे आएंगे और दूसरा कोई कलर करते, ध्यान दो ये वाला, तो देखो सब पे होगा, इस पे भी हुआ है, इस पे भी हुआ है, लेकिन तीसरे वाले पे नहीं होगा, मीन्स उसको अलग कर दिया। किस फॉर्मेटिंग से, टेक्स्ट के कलर के फॉर्मेटिंग से। ऐसा नहीं का पूरा, एक बार कहा यहाँ जाओ तो ऐसा नहीं पूरा घर से ही बाहर निकाल दिया, यह काम नहीं कर रहा है, तो कह रहा कोई बात नहीं, एक बात नहीं माना, किसी का कोई रीजन होगा, फिर से एक बार कह के देखते हैं, फिर समाते हैं और फर्स्ट वाले का फॉर्मेटिंग क्यू की स्टाइल से चेंज कर देते। अब देखो फर्स्ट में भी चेंज हुआ, सेकेंड वाले में भी हुआ, थर्ड वाले पे भी हुआ, मतलब जो यह वाला स्टाइल चेंज किया इस पे हुआ है, क्यों, क्योंकि टेक्स्ट कलर पसंद नहीं था ना, ये तो लगा सकते हैं, नहीं करो ना, हम एकदम अलग होना चाहते, फिर लगा दो इसको, अलग कर दो। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे अब आएंगे और इसको क्लिक करें, अब कह रहा चलो ये भी बात नहीं मान रहा है, तो देखो कैसे, अब इसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे, ब्लैक या कोई कलर ले लो जो है, वैसे नॉर्मल कर देते हैं, तो सब पे होगा, बस इसको छोड़ दे, चलो तुम अलग ही होना चाहते, अलग करते जा रहे हैं तुमको, एक दिन घर से भी अलग कर देंगे धीरे 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 धीरे। तो मतलब क्या है, एक जैसा फॉर्मेटिंग कर रहा है इसका यूज करिए, अगर ऐसा जरूरत नहीं है ये बस यही इसका यूज है, अदर कोई यूज नहीं है। हाँ, इसको सेव करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिक क्या होता है, सेव हो जाता है,
और जब भी आप उस फाइल को खोलोगे, किस फाइल को, जो आप पहले से बनाए हो, और जब जाओगे व्यू टैब में और स्लाइड मास्टर पे क्लिक करोगे तो जो बना कर रखे वो खुल जाए। बस यही एक कमी है इसमें, बस शो करने का ऑप्शन दे देता तो हम अच्छे से और बहुत ही जल्दी एक जैसा फॉर्मेटिंग वाला प्रेजेंटेशन बना। अगर ऐसा करना है तो आपको फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करना पड़ेगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत? बोलिए जल्दी से। नहीं ना, प्रिंट पेज नंबर, इसको क्लोज करते हैं, व्यू पे आते हैं। उसके बाद हैंड आउट मास्टर, वही हेडर देने के लिए, पता है आपको हेडर पे क्या रहता है, डेट दे देते हैं लोग, क्या टॉपिक का नेम है, पता है ना आपको हेडर कैसे देते हैं, या इस पे तो देने का तो मतलब नहीं, हमने हेडर फुटर देना बताया था। नोट मास्टर, वही जो हमने मास्टर ओपन किया है, कुछ इंफॉर्मेशन नोट के तौर पर लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना है लूज कर देते। उसके बाद से दिया है रूलर, रूलर पता है आपको, पावर पॉइंट में रूलर का कोई यूज नहीं, क्यों नहीं बोलिए? क्योंकि हम लोग पावर पॉइंट में कुछ भी लिखते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स से लिखते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स को कहीं भी मूव कराया जा सकता है, अगर वो स्लाइड के अंदर होगा तो शो होगा, नहीं तो शो नहीं होगा। इसीलिए देखो रूलर डिसेबल होता है, हाँ इसका शॉर्टकट की होता है, नोट कर लेना, रूलर ऐसे आ जाएगा, देखो इसका बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, लिख लो शॉर्टकट। हो गया, चलिए आगे बढ़े। उसके बाद लिखिए ग्रिड लाइन शिफ्ट प्लस एफ नाइन, ग्रिड लाइन शिफ्ट प्लस एफ नाइन, कितना अच्छा बैठ रहा है। चलो तुरंत क्लेम कर दे रही हमारे पे, ठीक है हम तो बोलते रहेंगे चाहे कोई रहे या ना रहे। चलिए चलो अभी पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद से देखो या रूलर जो है आपको पता है, रूलर शो हाइड कर सकते हैं, क्यों करते हैं, या मापने के लिए करते हैं, आपको पता है, ग्रिड लाइन पता है, ये रो और कॉलम का कंबाइनेशन हो जाता है, बोलो या ग्रिड लाइन है, बोलो हो जाएगा, क्या यूज है इसका, ग्रिड लाइन व्यू देखने के लिए बस। हाँ ये जो गाइड्स ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि इसका यूज करके हम लोग अपने हिसाब से कुछ बना सकते। क्या, जैसे हम यहाँ पे गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे तो एक वर्टिकल लाइन आ जाए और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं गाइडेंस के तौर पे, कि जो हेडिंग बनाओ टॉप पे क्या साइज हो, यहाँ छोड़ दिया और इंसर्ट पे आके क्या किया, हम सेपेज ले लिया और ड्रैग है ड्रॉप कर, समझा ना, फिर से या उसके बाद गाइड को पकड़ा
और जो सेकेंड हम सेपेज बनाएंगे इतने के अंडर में बनाएंगे, इसको सेलेक्ट किया और इसके अंडर बना लिया, मतलब इधर उधर हमारा नहीं जाएगा डाटा, उसको गाइड करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कलर कर देंगे ब्लैक, बोलो। उसके बाद से आ जाएंगे कहां पे, वर्टिकल थोड़ा बढ़ा देते हैं यहां से, पतला इतना बनाना है, कुछ लिखना है इसमें, कलर हम चेंज कर देते दूसरा, बोलो। उसके बाद, उसके बाद से क्या करना, हम इसको और आगे बढ़ाना, बस कुछ भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी का इस्तेमाल करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, बस हटा दो तो नहीं पता चलेगा, अब बनाओगे तो इधर उधर जाएगा, ठीक है। तो सही से उसका यूज कर सके इसके लिए हम इसका इसका इस्तेमाल करते। उसके बाद से है चू, तो मिनिमम जूम कितना किया सकता है, पढ़ाया था